हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लांट्स केयर एंड टिप्स। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बिलो एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट माय लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम इस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं। इस प्लांट का जो नाम है फाइकस है। ये जो फ्रेंड्स ये जो प्लांट है ये वीपिंग फिग के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही सुंदर ये प्लांट देखने में लगता है। और ये एक पेरिनियल प्लांट है जो कि साल भर ऐसे ही हरा भरा बना रहता है और बहुत ही जल्दी ये जो प्लांट है अपनी ग्रोथ शो करता है। काफ़ी न्यू न्यू ब्रांचेस इस पे से निकलती रहती हैं और काफ़ी जल्दी ये जो प्लांट है बुशी हो जाता है। और फ्रेंड्स, इस प्लांट की जो है और एक ख़ास बात ये है कि ये जो प्लांट है बहुत ही जल्दी जो है एक ट्री लाइक लुक ले लेता है, जो कि एक जैसे बड़े ट्री की एक लुक होती है वैसे एक लुक ले लेता है काफ़ी जल्दी, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, ये तो एक मेरा छोटा प्लांट है और एक और मैं आपको अपना बड़े वाला प्लांट दिखाऊं तो ये है फ्रेंड्स, वो एक मेरा जो बड़े वाला प्लांट है इसकी आप शेप देख सकते हैं। जैसे मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि ये जो प्लांट है काफ़ी जल्दी एक ट्री लाइक लुक ले लेता है, जैसे आप देख सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स ये देखिए, जैसे एक ओल्ड प्लांट में जो है ब्रांचेस निकलती हैं काफ़ी, जैसे एक रूट्स निकलती हैं, जैसे एक काफ़ी एज्ड प्लांट में रूट्स निकलती है, काफ़ी जल्दी ये जो है प्लांट ऐसे लुक ले लेता है। इसकी रूट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर इसकी रूट्स लगती हैं। ये देखिए, ये जो इसकी रूट्स हैं ये ऐसे ऊपर से जाके ये इसकी सॉइल के अंदर गई हुई है रूट्स। एक ये वाली भी देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर इसकी ये जो रूट्स लगती हैं एरियल रूट्स ऐसे निकली हुई बाहर, तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। और फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है बहुत ही मैं बोलूँगा आपको आइडियल प्लांट है। अगर आप बॉन्साई के लिए सर्च कर रहे हैं तो ये जो प्लांट है काफ़ी आइडियल प्लांट है बॉन्साई के लिए। तो बहुत ही जल्दी इस प्लांट का जो है बॉन्साई आराम से बन जाता है और आप इस प्लांट को कोई भी शेप आप इस प्लांट को दे सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्रेंड्स ये जो प्लांट है काफ़ी जल्दी अपनी ग्रोथ निकालता है, तो बहुत ही बेस्ट प्लांट है ये। और फ्रेंड्स, इस प्लांट की जो है एक ख़ास बात और ये है कि जैसे ही इस प्लांट की जो जैसे ब्रांचेस होती हैं, अगर आप इस प्लांट की जो ब्रांचेस है इनको आपस में अगर आप ऐसे टाई कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो ब्रांचेस जो हैं आपने जो टाई करी थी आपस में वो एक जॉइंट हो जाती है। मतलब जैसे आपने दो ब्रांचेस को टाई करा है तो वो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो वो एक ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपस में जॉइनिंग हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरी दो ब्रांच थी, एक ब्रांच ये जा रही थी और एक ब्रांच ये जा रही थी, तो इसको जैसे मैंने यहाँ से टाई कर दिया तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से ये एक इसने जॉइंट ले लिया और यहाँ से वो एक ब्रांच हो गई है, ये आपस में जॉइंट हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये इस प्लांट की बहुत ही खासियत है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स ये जो प्लांट है बॉन्साई के लिए बहुत ही आइडियल है। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को जो है आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। इनडायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को जो है काफ़ी पसंद है और आपको जो है इस प्लांट को ऐसी जगह भी नहीं रखना है जहाँ पे जो है डार्क प्लेस हो, क्योंकि उससे जो क्या होगा आपकी जो प्लांट की ब्रांचेज़ है वो लेगी होना शुरू हो जाएंगी और उस पर जो लीव्स है वो काफ़ी कम आएंगी और उसकी ब्रांचेस जो है काफ़ी लंबी लंबी हो जाएंगी और वो जो प्लांट है आपका वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको इसे जो है एक ब्राइट सनलाइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है जहाँ पे जो है एक अच्छी इनडायरेक्ट लाइट जो है इस प्लांट को मिले, उससे जो है इस प्लांट में जो है कलर और लीव्स दोनों में ही काफ़ी सुंदर इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, फाइकस में जो है आपको इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपको देखने में मिलती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें जैसे ये तो एक फ्रेंड्स बिल्कुल डार्क ग्रीन वैरायटी है, कुछ में बिल्कुल ऐसी लाइट ग्रीनिश शेड आता है
और एक वैरायटी फ्रेंड है इसकी, ये भी है लाइट ग्रीन और क्रीमी शेड इसका। कुछ इस प्लांट में जो है आपको काफ़ी सारी वैरायटीज देखने को मिल जाती है। और फ्रेंड्स आपको जो है इस प्लांट की जो सॉइल है वो काफ़ी वेल ड्रेन्ड रखनी है, मतलब उसमें जो पानी है वो नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल ऐसे आपको जो है इस प्लांट की सॉइल रखनी है, नॉर्मल हल्की मॉइस्ट रहनी चाहिए हमेशा, ज़्यादा ड्राई भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस प्लांट को जो है मॉइस्चर अपने अराउंड काफ़ी पसंद है, तो इसलिए आप जो है इस प्लांट की जो सॉइल है वो हमेशा मॉइस्ट रखें। और फ्रेंड्स बात करें इस प्लांट की पॉटिंग मिक्स के लिए, तो इस प्लांट को जो है आप नॉर्मल उसी पॉटिंग मिक्स में लगा सकते हैं, दो हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रिवर सैंड और एक हिस्सा गोबर वाली खाद, इन चीज़ों को आपस में मिक्स करके आप इस प्लांट को उसी पॉटिंग मिक्स में लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको जो है इस प्लांट को लगाते वक्त बस यही चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो आपको इसको जो है ब्राइट सन में नहीं रखना है, अगर आप इसको ब्राइट सनलाइट में रखते हैं तो इसकी जो प्लांट की जो टिप्स हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी सनबर्न की वजह से। और आपको जो है इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ओवर वाटरिंग करते हैं तो इसकी प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो धीरे धीरे येलो होके वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको इस प्लांट में ध्यान रखनी है। इस ये जो प्लांट है इस प्लांट का जो ग्रोइंग सीज़न होता है मेनली फेब्रवरी से लेके आपका अक्टूबर तक जो है इस प्लांट का ग्रोइंग सीज़न होता है। विंटर्स में ये जो प्लांट है आपका थोड़ा सा डॉर्मेंसी पीरियड में होता है, बट उस टाइम जो है ये प्लांट ऐसे ही हरा भरा रहेगा, बट अपनी कोई भी न्यू ग्रोथ शो नहीं करता है। और रेनी सीज़न में जो है इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि उस टाइम जो है एयर में जो है काफ़ी मॉइस्चर होता है और इस प्लांट को जो है मॉइस्चर काफ़ी पसंद है, तो इसलिए फ्रेंड्स ये जो प्लांट है रेनी सीजन्स में अपनी काफ़ी जल्दी ग्रोथ। और फ्रेंड्स बात करें इस प्लांट की प्रोपगेशन के बारे में, तो फ्रेंड्स इस प्लांट की जो प्रोपगेशन है काफ़ी ईजी है, आप इसको नॉर्मली कटिंग्स के थ्रू लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, नॉर्मली दो से तीन इंच लंबी कटिंग्स लेके आप जो है इस प्लांट की नॉर्मली सॉइल में लगा सकते हैं, और इसको फ्रेंड्स आप जो है लीव्स के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। सिंपली आप जो है अगर ऐसे आपने इसकी जो लीव्स है बिल्कुल नोड एरिया से अगर यहाँ से बिल्कुल कट करके अगर आप इसको सॉइल में लगा दें तो इसकी लीव्स में भी जो है रूटिंग शुरू हो जाती है। और फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप इस प्लांट की जो है कटिंग्स लगा रहे हैं तो आप इसकी जो कटिंग्स लगाने का जो राइट टाइम है वो है रेनी सीजन्स में, और जैसे ही आपका ये फेब्रवरी और मार्च शुरू होता है तो आप उस टाइम जो है इस प्लांट की कटिंग ईजिली लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स बात करें इस प्लांट की कटिंग एंड प्रूनिंग की, तो फ्रेंड्स आपको जो है नॉर्मली टाइम टू टाइम इसकी पिंचिंग करते रहिए। सपोज फ्रेंड जैसे ये इसकी ब्रांच है तो नॉर्मली आप इसकी ऐसे ये जो ऊपर वाली ग्रोइंग टिप है इसको ऐसे तोड़ दिया करें, ये फ्रेंड्स इसकी पिंचिंग, इसको पिंचिंग कहते हैं। नॉर्मली टाइम टू टाइम आप इसकी अगर ऐसे ग्रोइंग टिप तोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, नीचे से जो है इसकी और न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी, उससे जो फ्रेंड्स आपका जो ये प्लांट है वो काफ़ी देखने में बुशी लगेगा। जैसे मैं आपको फ्रेंड्स शो करूँ तो जैसे ये जो मेरा प्लांट है उसको मैंने यहाँ से मैंने इसको कट किया और देखिए फ्रेंड्स इसमें नीचे से दो इसकी न्यू शूट्स निकली। और वैसे ही फ्रेंड्स अगर हम इस प्लांट को जो है ऊपर से भी अगर हम इसकी ऐसे पिंचिंग कर देते हैं न्यू ग्रोथ की, तो इसमें से भी क्या होगा, नीचे से और दो न्यू ब्रांचेस निकलेंगी और वो जो है आपके प्लांट को जो है काफ़ी बुशी लुक देती है। और फ्रेंड्स बात करें इस प्लांट की फर्टिलाइज़र के बारे में, तो इस प्लांट को जो है आप साल में मेनली दो बार ही इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, नॉर्मली गोबर वाली खाद से या फिर वर्मी कंपोस्ट से अच्छे से इसको साल में दो बार ही, एक तो आप इसको फेब्रवरी में और एक बार ही रेनी सीजन्स के बाद में इस प्लांट को जो है अच्छे से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। और वैसे आप इस प्लांट को जो है हर मंथ जो है इसको
लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। नॉर्मली जो काउडंग वाला जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो आप इसमें डाल सकते हैं हर महीने। और फ्रेंड्स, इस प्लांट पे जो है कोई भी इंसेक्ट और पेस्ट अटैक नहीं करता है मेनली। और अगर आपके प्लांट पे जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखती है, इंसेक्ट या पेस्ट अटैक कोई ऐसा दिखता है, तो फ्रेंड्स आप जो है इस प्लांट पे नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। ये तो थी इस प्लांट की कुछ केयर टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल। थैंक यू एंड स्टे सेफ।